नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीजीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शमशूल हसन बल्ली ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नरेला विधानसभा की बदहाली एवं सड़कों को देखते हुए नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया। लगातार पार्टी में चल रहे परिवारवाद एवं धर्म की राजनीति करने के भी आरोप लगाए, जहां मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में से एक भी ईसाई समाज के प्रत्याशी को नहीं चुना गया। जिस पर शमशूल हसन बल्ली ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। सबसे पहले तो नरेला विधानसभा के मतदाताओं को, बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, सबको दिल की गहराइयों से, एक जो राष्ट्रीय पर्व है, ये चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व होता है जिसको एक साथ मिल के मनाते हैं, उसकी मुबारकबाद। दूसरा, नरेला के मेरे जाने का उद्देश्य कि माइनॉरिटी को जिस तरह कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने और भी राजनीतिक दलों ने जिस तरह हाशिए पर डाल रखा है, उसको लेके मन बहुत व्यथित था, विचलित था, परेशान था, क्योंकि 1,27,000 वोटर्स होने के बाद, 27,000 दलित होने के बाद, क्रिश्चियन समाज होने के बाद और भी अदर समाज होने के बाद भी इनको आँख बंद करे बैठा हुआ है प्रशासन, जैन समाज को नज़रअंदाज। नरेला में आज स्थिति ये है कि वहाँ के वोटर्स बागी हो गए। बात करें, आपने माइनॉरिटीज की बात की है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से कोई भी एक पार्टी द्वारा, किसी भी पार्टी द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के किसी भी कैंडिडेट को एक भी चांस नहीं दिया। पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा दुर्भाग्य है, चूँकि क्रिश्चियन समाज भी अल्पसंख्यक समाज में आता है। क्या मजबूरी रही भारतीय जनता पार्टी की, क्या मजबूरी रही कांग्रेस की, क्या मजबूरी रही और अदर्स दलों की, जिन्होंने हमेशा माइनॉरिटीज को नज़रअंदाज किया है। वो क्रिश्चियन समाज के साथ तो बहुत बहुत घोर अन्याय हुआ है। कम से कम एक आध टिकट देते, यकीनन इस विधानसभा से, मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं से जीत कर जरूर आता क्रिश्चियन समाज। क्या यही वजह नहीं मानते कि क्रिश्चियनों की जो आवाज़ है वो संसद तक नहीं पहुंच पाती है, कि उनका प्रतिनिधित्व ना हो पाना? देखिए, प्रतिनिधित्व तो सभी राजनीतिक दलों ने, अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे से गायब करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि विकास के नाम पर, वोट के नाम पर और टिकटों के नाम पर जब बात आती है तो हम लोगों को ये शांत कर दिया जाता है कि आपके काम नहीं रुकेंगे, आप वोट करिए, आपके काम नहीं रुकेंगे, आप वोट करते रहिए, क्योंकि वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट सभी को करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, भाजपा और अदर्स दलों ने सभी अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारे कास्ट आते हैं, जिस तरह से हाशिए पर डाल रखा है, उससे मुझे लगता है कि आज हमें उठ कर खड़े होकर आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। हम सबको अपने हाथ में हाथ पकड़ कर इन विधानसभाओं का सफ़र हमें अपनी मेहनत से तय करना पड़ेगा। देखिए, मैं चूँकि मेरा घर इसी नरेला में, बागला में, बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले मैं जिस तरह से मुस्लिम बस्तियों में, नरेला की मुस्लिम बस्तियों में जिस तरह से शराब, जुआ, सट्टा, ब्राउन शुगर परोसी जा रही है, सबसे चिंतन का विषय वो है कि पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से जिस तरह से पूरी नरेला विधानसभा में माइनॉरिटीज जहाँ, उस जगह गंदगी परोसी जा रही है, सबसे बड़ी प्राथमिकता पहली मेरी उसको रोकने की होगी। दूसरा, बिजली, पानी, सड़क मुद्दा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश को चमन बनाने की बात करते हैं, हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल बनाने की बात करते हैं, जब पुराने भोपाल की बात होती है, मुस्लिम माइनॉरिटीज क्षेत्रों की बात होती है, अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्रों की बात होती है, तो विकास से कोसों दूर रखा जाता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए, बात करें हम भोपाल की, तो जहाँ कभी किसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर कुछ भी बात आती है तो मध्य प्रदेश में एक ही चीज़ कही जाती है, भाईचारा बरकरार रखा जाए, किसी उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में
मुस्लिम धर्म गुरु क्यों मैदान में दिखते हैं? बड़े शर्म की बात है, हमारे जो धर्म गुरु है उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा अच्छा सवाल है, वो चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं शेर खाजी साहब से, मुफ्ती साहब से, तमाम उलमा इकराम से ये कहना चाहता हूँ कि फतवेबाजी चुनाव में किसी को भी फतवा राजनीतिक दल को ना दें, ना राजनीतिक व्यक्ति को कोई फतवा दें। इससे एक माहौल में तब्दीली आती है, खराबी आती है, माहौल ख़राब होता है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और तमाम में नरेला ही नहीं, तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों से कहूँगा मैं और तमाम वोटर्स से कहूँगा, अच्छा चुने, देख कर चुने, ऐसे लोगों का ना चुने जो आपको चुनने के बाद जो आपको हशिए पर डालकर इस्तेमाल करता हो, ऐसे लोगों को वोट देने से बचे। लेकिन वोट्स अवश्य करें। मैं भी नरेला विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, मैं तमाम नरेला विधानसभा के मतदाताओं से ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी विधानसभा को, नरेला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाकर दम लूँगा, जहाँ भय मुक्त लोग होंगे, जहाँ अपराध मुक्त होगा, बिजली पानी सड़क व्यवस्था होगी, जहाँ 24 घंटे पानी रहेगा, 24 घंटे बिजली रहेगी, निर्माण में हर वार्ड में विकास की गंगा बही जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर घर से एक विधायक पैदा करूँगा, हर घर से एक विधायक निकालेंगे हम लोग। अब मैं अगर जीत कर आता हूँ तो विधायक आप होंगे, अपने हिसाब से काम कराइए, अपने हिसाब से विधानसभा का निर्माण कीजिए, अपने हिसाब से स्कूल्स बनाइए, अपने हिसाब से हॉस्पिटल का, हर विधानसभा में एक हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं हर विधानसभा में एक एक प्रत्याशी से ये कहूँगा कि अपने अपने विधानसभा में हॉस्पिटल्स का निर्माण करें, यही हम लोगों की प्राथमिकता होगी। सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त विधानसभा रखना चाहते हैं हम लोग। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ आवाम से कि अच्छा चुने, देखकर चुने, ऐसा चुने जैसे, ऐसा ना चुने जो 15 साल से जिसको चुन कर ला रहे हैं आज वो 15 साल से विकास से कोसों दूर है। और एक जो अभी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी आए तो उनका भी आचरण, उनका भी करेक्टर देख लीजिएगा, ऐसा चुने जो आपके बीच में रहे, आपका अपना हो। हम तादाद में 1,27,000 हैं, दलित 27,000 हैं, OBC ढेर लगा हुआ है, क्यों ना हम एक अच्छा प्रत्याशी चुने। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता हूँ, एक मौका मुझे अवश्य दीजिएगा।